यहाँ जाने के लिए पीपा पुल का सहारा लेना पड़ता है। गर्मी और बरसात में राहें मुश्किल हो जाती है, जहाँ रेत, नदी और आसमान का रंग एक हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज दरौली के घाघरा नदी तट पर, जहाँ से आपको दिखाएंगे यहाँ का पीपा पुल और घाघरा नदी के उस पार के कुछ दृश्य। देख सकते हैं दरौली क्षेत्र में ककड़ी, खीरा, तरबूज आदि की बिक्री की जा रही है और ये सभी नदी के उस पार से नाव के द्वारा लाई जाती है। पीपा पुल जो बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, पीपा पुल का एक नज़ारा आप देख रहे हैं। सामने घाट जहां लोग स्नान भी करते हैं। पीपा पुल पर चलना या वाहन का चलाना आसान नहीं होता, इसके लिए पुल के ऊपर लोहे की पट्टियां बिछाई जाती हैं ताकि आसानी से वाहन चल सके। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि पीपा पुल के उस ओर भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये पीपा पुल के उस ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और दुपहिया वाहन से करीब एक मिनट का समय लगेगा पीपा पुल को पार करने में। दरौली में यह घाघरा नदी के ऊपर बना हुआ है पीपा पुल। काफ़ी पहले से लोग यहाँ दियरा क्षेत्र में आते हैं और इधर खेती करके वापस पुनः बाजार, जहां आप देखें, बिक्री करते हैं। और उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ने वाली पीपा पुल, इसी पीपा पुल के सामने में एक सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। जब वह पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब लोगों को काफ़ी आसानी होगी जो फिलहाल पीपा पुल से ही सफ़र करने को बाध्य हैं। अब यहाँ से शुरू होगा बिल्कुल अलग सफ़र। उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ककड़ी के खेत, लालमी, खीरा, तरबूज आदि के खेत। ये देखिए, अब ये शुरू हो गई बालू ही बालू रेत पर सफ़र। रेत पर सफ़र आसान नहीं होता, पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में यह लोहे की प्लेट बिछाई गई है जिस पर बाइक या चार पहिया वाहन चलते हैं और कितनी मुश्किल होती होगी आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर जब धूप हो जाती होगी, तेज धूप, लोहे के प्लेट पर चलना या फिर वाहन चलाना कितना मुश्किल होता होगा। सोचिए कि अगर रास्ते में कोई दूसरे वाहन सामने से आ जाए, फोर व्हीलर, तो कितनी मुश्किल होती होगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और इस रेत के बाद एक दूसरा पीपा पुल भी आता है और इसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ये रेत, ये देख सकते हैं आप, यहाँ सफ़ेद रेत, नदी और आसमान तीनों एक ही कलर में दिखेंगे, सफ़ेद, नीले। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। यह था दरौली क्षेत्र का पीपा पुल और उसके आसपास का क्षेत्र। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।